राकेश रमन है, और मैं आज कुछ आपके साथ ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से इनफैक्ट फ्रॉम 2019 आई हैव बीन राइटिंग अबाउट ईवीएम्स एंड द फ्रॉड्स दैट कैन हैपन विद ईवीएम्स। मैं बेसिकली एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हूँ। थोड़ा सा मैं जब ईवीएम की बात करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ आई एम कॉम्पिटेंट टू टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ईवीएम के बारे में मैं क्यों बात करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं चंडीगढ़ में, मोहाली में, आई हैव डन माई एमएससी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विद कंप्यूटर साइंस ऑरिएंटेशन, और उसके बाद मैंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर 7 साल मोहाली में जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके साथ काम किया है। एंड आई हैव बीन डेवलपिंग हाई लेवल एज वेल एज लो लेवल प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर्स। लो लेवल होता है मशीन लेवल जो प्रोग्राम, जो अभी इसमें ईवीएम में जो प्रोग्रामिंग है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और चिप प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ईवीएम में चिप लगा होता है, तो वो भी मैंने प्रोग्रामिंग की ही है। तो आई अंडरस्टैंड दिस ईवीएम टेक्नोलॉजी थॉरली। तो उसके बाद मैं एज टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट विद द टॉप मीडिया कंपनीज इंक्लूडिंग ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, एंड फाइनली आई वाज राइटिंग और जो ट्रेड मैगजीन्स होती हैं कंप्यूटर्स के उनके साथ भी आई हैव वर्कड एट वेरी सीनियर पोजीशंस। और उसके बाद मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस न्यूज़पेपर है उसमें एक एडिट पेज टेक्नोलॉजी कॉलम भी लिखता था, तो उसमें भी मैं टेक्नोलॉजी, एंड आई हैव बीन कॉन्फर्ड द नेशनल लेवल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म, एंड इट हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट एट द रिपब्लिक डे फंक्शन। तो मैं टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता हूँ। और उसके बाद मेरे को यूनाइटेड नेशंस ने, यूनिडो जो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हायर किया था एज डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। तो मैं पूरे इंडिया में घूमकर जे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देता था मैं, कि टेक्नोलॉजी वो अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं सो दैट दे कुड ग्रो देयर बिजनेस नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक मार्केट के लिए उनको ये पूरी ट्रेनिंग देता था, लॉन्ग सेशंस होते थे उसके लिए। तो मैंने पूरे इंडिया में घूमकर ऐसे टेक्नोलॉजी इवेंट्स में काफ़ी वो एड्रेस किया एज ए स्पीकर। तो अब मैं आपको ये थोड़ा सा ईवीएम के बारे में, बहुत ही कंफ्यूजन है, मैं जब यूट्यूब के बाकी और कोई जो टेक्स्ट कंटेंट है वो तो अवेलेबल नहीं है, मैंने तो बहुत सर्च करने की कोशिश की, जो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस हैं दोज आर वेरी रॉ क्रूड टाइप ऑफ वीडियोस, वही हैं उन्हीं को वो जो मान लीजिए 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो वीडियोस बने थे उन्हीं को ऐसे काट काट कर थोड़े थोड़े क्लिप्स दोबारा रिपीट करते रहते हैं टू शो दैट दीज आर द फ्रेश वीडियोस। एक्चुअली वो फ्रेश वीडियोस नहीं है, वो पुराने ही 2-3 वीडियो हैं जो लंबे बने हुए हैं, उसमें से वो काट कर वो दोबारा दोबारा डेट चेंज करके उसको, दिस इज़ बेईमानी, ये बहुत एक डिसेप्शन है। तो उसमें वीडियो कोई भी प्रॉपर नहीं बना हुआ है। और साथ में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ईवीएम को लेकर इतना कन्फ्यूज़न है, हालांकि थोड़े थोड़े वो जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं ईवीएम के खिलाफ वो हो रहे हैं, थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट, दो आर नॉट सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट, उससे कोई ईवीएम वगैरह रुकने वाली नहीं है, और ईवीएम के ऊपर ही इलेक्शन होगा। और अगर ईवीएम के ऊपर इलेक्शन होगा तो दुनिया की कोई ताकत भी, ये जो चाहे इंडिया अलायंस है चाहे आप वर्ल्ड अलायंस बना लीजिए, कोई जीत नहीं सकती, सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी अगर ईवीएम के ऊपर यह 2024 लोकसभा इलेक्शन होता है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ, और मैंने क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और जो ईसीआई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल रहा है अपनी साइट के ऊपर, दैट इज़ इनकम्प्लीट रॉ क्रूड इन्फॉर्मेशन जो ईवीएम्स के बारे में, एफएक्यूज़ हैं, जो असली क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर ही नहीं रहा।
लेकिन जिनको ईवीएम के बारे में पता नहीं है वो तो यही समझेंगे कि इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें एक्सप्लेन कर दिया, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मैनिपुलेशन इन ईवीएम्स, तो वो ठीक नहीं है। मैंने ये उसकी इलेक्शन कमीशन की सारी वो साइट भी स्टडी की है, सिर्फ वो ही टेक्स्ट कंटेंट है, बाकी देर इज हार्डली एनी टेक्स्ट कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक माइक्रोसाइट बनाई है, माइक्रोसाइट अपनी बनाई है जो जिसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट डाला, उसमें ज़्यादा इंग्लिश में है, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी है लोगों को समझाने के लिए। तो उसकी माइक्रोसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, यू कैन विजिट दैट माइक्रोसाइट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं जो मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, जो ये जो इन्फॉर्मेशन इज फ्लोटिंग इन द दिस ऑन यूट्यूब और सम बेसिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, कि अब कुछ लोग ये कहना शुरू कर रहे हैं कि वीवीपैट जो है उसमें काला शीशा होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट शीशा होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी ए शेडिड ग्लास इन फ्रंट ऑफ द वीवीपैट स्क्रीन और ट्रांसपेरेंट ग्लास। उसका कोई चक्कर ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर चाहे आप वो कहेंगे कि हम चलो काला शीशा हटा देते हैं पीला लगा देते हैं, तो क्या आप मान जाओगे? तो उस जिस चीज़ के ऊपर आपने मानना ही नहीं है, व्हाई डू यू वांट टू डिस्कस दैट टॉपिक, उसको डिस्कस ही ना कीजिए, काला होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना। वीवीपैट जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वीवीपैट से। और दूसरा कुछ ये एक वहाँ पर अमेरिका में बैठकर कांग्रेस का बंदा कंफ्यूज कर रहा है सबको, और एक यहाँ पर कांग्रेस का बंदा कंफ्यूज कर रहा है सबको। वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की स्लिप्स काउंट कर लो। अब वीवीपैट्स की स्लिप काउंट करने का मतलब क्या है, उसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कि जब आपने बटन दबाया कंट्रोल यूनिट के ऊपर, बैलेट यूनिट के ऊपर, और वो आपका, वो कह रहे हैं कि वीवीपैट में वहाँ से सिग्नल जाता है और वहाँ से स्लिप आपको पहले 7 सेकंड दिखाकर, और फिर देन इट फॉल्स इन ए बॉक्स अंडर दैट वीवीपैट मशीन, उसके बाद वो काउंटिंग यूनिट में वो जाता है सिग्नल। वो क्या आपको सिग्नल नज़र आ रहा है? वो सिग्नल तो है ही नहीं है कोई। आप ये मानिए कि मैं ये एक हाइपोथेसिस आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैलेट यूनिट है जिसके ऊपर लोग प्रेस करते हैं अपना बटन, वहाँ पर ऑलरेडी मान लीजिए वो जो डेटा है काउंटिंग का, वोट्स का, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, वहाँ से कहीं नहीं जा रहा वो डेटा, सिर्फ आपको स्लिप दिखाई जा रही है। वो डाटा कहीं ना तो कंट्रोल यूनिट में जा रहा है ना वीवीपैट में जा रहा है, सिर्फ उसी में कंट्रोल यूनिट में है। तो आप इस हाइपोथेसिस को बताइए कि क्यों ये रॉन्ग है, उसमें ऑलरेडी डेटा डला हुआ है। तो आप ये जो आप कहते हैं ना कि एक इसमें जो चिप लगा हुआ है, दैट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। वन टाइम प्रोग्रामेबल का मतलब है कि एक ही बार उसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है, उसको फिर दोबारा आप नहीं उसमें चेंज कर सकते डाटा। तो इसको रॉम कहते हैं या प्रॉम कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, या जो इसमें चेंज कर सकते हैं उसको ई प्रॉम कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो जो इरेजेबल है, अब इसमें क्या है कि ये सब लोग कह रहे हैं कि ये इरेजेबल है, तो जब इरेजेबल है तो उसमें आप प्रोग्राम फीड करने के बजाय डेटा फीड कर दीजिए, और बाद में वो सारे का सारा डेटा जो है वो उसमें कंट्रोल यूनिट में ले आइए, या सीधा ही कंट्रोल यूनिट काउंटिंग तो कंट्रोल यूनिट से होनी है, काउंटिंग यूनिट जो लास्ट वाला है उसमें काउंटिंग होनी है। तो उसमें डेटा जो है, जो वोटर वोट बटन को प्रेस कर रहा है वो वाला डेटा उसमें जा ही नहीं रहा, उसमें ऑलरेडी वोटिंग का डेटा फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी के ज़्यादा जिसकी वोट्स होनी चाहिए वो ऑलरेडी है उसमें, ये बटन से नहीं जा रहा वो डेटा, वो ऑलरेडी है, और उसी की उठाकर बस काउंटिंग कर देंगे, तो वो तो ऑलरेडी है उसमें, तो आपकी वोट तो उसमें जा ही नहीं रही। और दूसरी जो बात है, प्रॉबेबली आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू क्लियरली ऑन दिस वीडियो, और साथ में मेरा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरा जो वीडियो ये बनाने का सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड, और मैं फिर इसलिए मेरे जो वीडियोज़ हैं लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, मैं तो बेसिकली एक
न्यूज़पेपर राइटर हूँ, तो अपनी आजकल मैं 5 न्यूज़ साइट्स चलाता हूँ, ग्लोबल न्यूज़ साइट्स विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो मैं बेसिकली एक टेक्स्ट जर्नलिस्ट हूँ, तो ये वीडियोस का थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ये जो मैंने आपको बताया पॉलिटिशियन तो इतने बेकार हैं, इनको बिल्कुल साइड पर बिठा दीजिए, इन इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर इनकी हेल्प चाहिए तो दे शुड सेंड देयर पीपल, जो उनके पार्टीज के मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको गलियों में भेजना चाहिए लाखों की तादाद में, तभी उनका फ़ायदा। अदरवाइज़ उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखकर गायब हो जाते हैं बिल्कुल। और वो वहाँ पर बैठकर अमेरिका वाला कुछ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है, वो इतनी घटिया वीडियो कॉन्फ्रेंस, और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। उससे बात करनी है बंद कीजिए। ही शुड कम बैक टू इंडिया एंड देन लीड दिस कैंपेन अगेंस्ट ईवीएम्स। वहाँ पर बैठकर वो लीडर बना हुआ है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अब ये पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि जो वीवीपैट की स्लिप डब्बे में गिरती है उसको काउंट करो, ये एक बहुत हाईली कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये अगर आपने बटन उसमें प्रेस किया, वीवीपैट के ऊपर वो स्लिप नजर आई, फिर डिब्बे में गिर गई, या आपके हाथ में दे दी, तो वो आपने अलग एक डिब्बे में मैन्युअली उसको डाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि उसको काउंट करो, तो अगर उसको ही काउंट करना है तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लगाया उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपने बटन से क्यों प्रेस करना है, उससे स्टैंप ही बैलेट पेपर के ऊपर लगवाइए, बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगा कर वो उसमें डिब्बे में डाल दे, फिर मशीन की क्या ज़रूरत है, फिर उनको गिन लीजिए। तो ये जो है ये बहुत कंफ्यूज, इनको तो बिल्कुल, जो आपने देखा होगा जो क्रिमिनल्स होते हैं, बेईमान होते हैं, झूठे मकार, वही पॉलिटिशियन बनते हैं। इनको क्या समझ है टेक्नोलॉजी की, तो इनके चक्कर में ना पड़िए आप। ये जो लोग स्ट्रीट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही मेन बंदे हैं, इन्हीं का जो कैंपेन है अगर सक्सेसफुल हुआ तो यही जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वही सक्सेसफुल होगा। इनको जो पॉलिटिशियंस हैं इनको बोलिए कि अपने वर्कर्स को, लाखों वर्कर्स को हर एक शहर में ये ईवीएम के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए भेजिए, एंड दिस कैंपेन शुड बी इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन अथॉरिटीज ऑफिसेस। बाकी और जगह किसी पर कंप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। और साथ में ये अब मैं एक और आपको इसमें बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स को हटाने के लिए आपको एक ये जो कैंपेन है इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट का क्या मतलब है कि अब ये जो मेजर प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा चाहे वो सीएए वाला प्रोटेस्ट था, चाहे वो ये रेसलर्स का प्रोटेस्ट था, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट था, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो सारे फेल हुए हैं। किसानों वाला लोग ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसानों वाला सक्सेसफुल था, दैट फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑफ 2020 वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, बिल्कुल भी वो सक्सेसफुल नहीं था। इसीलिए वो तो वहाँ से उठकर भाग गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब में, तो इसीलिए दोबारा 13 फरवरी को दोबारा प्रोटेस्ट, वही सेम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, बिकॉज देयर डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो दोबारा आ रहे हैं। तो सारे प्रोटेस्ट फेल हुए हैं, इसीलिए उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, मैं उनको भी बोलता रहा, किसानों को भी, कि ये जो आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर इस प्रोटेस्ट को लेकर जाना पड़ेगा, ये हाइब्रिड प्रोटेस्ट होना चाहिए। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि स्ट्रीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट डिनाई दैट, स्ट्रीट मीन्स एक उसको जैसे ये फार्मर्स ने एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट कर दिया था ये टिकरी बॉर्डर या और बॉर्डर्स के ऊपर, और उसी तरह से इसको प्रोटेस्ट को एक जगह के ऊपर पहले तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और दूसरा, कोई वेबसाइट ही नहीं है इनकी, जो भी है इसको लीड कर रहा है, एक कंसोलिडेटेड वेबसाइट तो बनाइए इसकी, जिसमें सबको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन। उसी चीज़ को मैंने ओवरकम करने के लिए अपनी माइक्रोसाइट बनाई है, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं आई वर्क अलोन, मैं तो और भी सोशल वर्क बहुत करता हूँ और साथ में अपना जर्नलिज्म का काम करता हूँ, तो मेरे पास तो मैं तो 16 घंटे रोज काम करता हूँ, सो आई हार्डली हैव एनी टाइम, लेकिन फिर भी मैंने ये एक माइक्रोसाइट बनाई है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप टू शो टू दिस कैंपेनर्स
that they can also make a comprehensive multilingual website for this campaign, which is very important. और उसी के जो लिंक्स हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर आप शेयर कीजिए. मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए अलग, क्योंकि बिकॉज दिस इज सपोज टू बी एन ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, तो इसमें हर एक जो लैंग्वेज जानने वाले हैं, जैसे तमिल हैं, कन्नड़ हैं, गुजराती हैं, या और जो पंजाबी हैं, हिंदी है, ये सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए और वो बननी चाहिए. और इसी को आपको बाहर वाले कंट्रीज़ में प्रमोट करना पड़ेगा. अब किसी को वो पता नहीं चलता और सारा जितना कंटेंट है वो हिंदी में है, और वहाँ पर जो जो यूट्यूब के हिंदी चैनल है, जर्नलिस्ट जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठते हैं, दे आर क्लूलेस. दे आर नॉट एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू द पर्सन और सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो उनके सामने बैठा हुआ है. एक एक्सपर्ट अब बुलाना इन्होंने शुरू किया है कहीं से, सॉफ्टवेयर कंपनी से ऐसे, वो जो है वो जियो टैगिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या कह रहा है कि मशीन के डिब्बे को जियो टैगिंग कर दीजिए जहाँ भी. अरे टेक्नोलॉजी को तो बिल्कुल हटा दीजिए बीच में से. एवरीथिंग इज सपोज टू बी मैनुअल, ओनली देन देयर विल बी फेयरनेस इन द इलेक्शन. ये बिल्कुल हटा दीजिए टेक्नोलॉजी को, सिर्फ आप एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग रखिए कि वी हैव टू होल्ड दिस इलेक्शन 2024 एंड सब्सिक्वेंट इलेक्शन ओनली ऑन बैलेट पेपर्स. कोई बैलेट पेपर और कोई वो जो कहते हैं बूथ कैप्चरिंग वगैरह कोई पॉसिबल नहीं है आज की डेट में. वो पुराना 30-40 साल पुराना हो सकता है. आप सीसीटीवी कैमरा आप सब जगह पर लगा सकते हो, सिक्योरिटी रख सकते हो. और अगर मान लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ कि बूथ कैप्चरिंग होगी, वो अगर 1% उसमें फ्रॉड हो भी जाए इस इलेक्शन में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब तो 95% फ्रॉड है. तो दीज आर द ट्रेड ऑफ्स विच वी नीड टू कंसिडर. तो आप सिर्फ एक ही मैसेज रखिए, बैलेट पेपर बस और कुछ भी नहीं. वो स्लिप काउंटिंग वगैरह बिल्कुल उसकी जरूरत ही नहीं है, दैट इज अ रिडंडेंट प्रोसेस. तो अब मैं आपको ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता था. और बाकी जो रेलेवेंट लिंक्स हैं रिलेटेड टू दिस ईवीएम्स, आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 5 or 6 ईयर्स ऑन दिस ईवीएम्स. मैं वैसे किसी को वोट डालता नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑल दिस पॉलिटिशियंस इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर क्रुक्स, बहुत बेईमान है ये. तो इसलिए मैं किसी को वोट नहीं डालता. लेकिन इस वक्त इतना माहौल ख़राब है ना. I work with some of the top companies which are supposed to ensure democracy and proper governance in different countries. तो उनके साथ मैं as expert भी काम करता हूँ. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ from the democracy perspective, ये जो है इस वक्त बिल्कुल it has become, our country has become a kakistocracy. ये this is a government which is not working for the people. इसीलिए 800 million जो लोग हैं, 80 करोड़ लोग हमारी total 1.4 billion में से, they are surviving on government dole. उनके पास they can't afford even 2 square meals a day. इतनी गरीबी है हमारे कंट्री में. तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस. तो उसके लिए आप सिर्फ एक, इस वक्त मुझे नहीं पता, जैसे कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए. मुझे नहीं पता कि अगर बैलेट पेपर भी हो गया तब भी हो सकता है किस तरह की हेरा फेरी हो सकती है, कर सकते हैं ये. लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट बैलेट पेपर्स. बैलेट पेपर के ऊपर ही इलेक्शन मांगिए, होगा या नहीं मुझे नहीं पता. और साथ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमें ये पता चल रहा है कि इतनी बेईमानी हो रही है इलेक्शंस में, ऑर्डिनरी लोगों को पता चल रहा है, चाहे उनको चिप या ईवीएम की टेक्नोलॉजी का समझ नहीं आता, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि हेरा फेरी हो रही है, हमें अपना वोट नज़र ही नहीं जा पाता. तो ये इलेक्शन अथॉरिटीज़ को भी, जो वहाँ पर बाबू बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी समझ आता होगा. कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उनको भी समझ आता होगा कि हो रही है. बट दे आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल बिकॉज दे आर सपोज टू बी प्रोवाइडेड प्रॉपर सिक्योरिटी. उनके पास अगर सिक्योरिटी होगी तो हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाए. सिक्योरिटी नहीं है उनके पास.
सिक्योरिटी जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है काइंड ऑफ सिक्योरिटी लाइक यूएन पीस कीपिंग फोर्स, वो अगर उनको एक सिक्योरिटी रिंग देगी ओनली देन दे विल बी एबल टू टेक प्रॉपर जस्ट डिसीजंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में, ये पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं, लेकिन सब्सिक्वेंट वीडियोस में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द अदर इंटरनेशनल एंगल ऑफ होल्डिंग दिस इलेक्शंस, के आप इसको अंडर यूएन और आईपीयू सुपरविजन कैसे ये इलेक्शन करवा सकते हैं। तो आई कीप फाइलिंग डिफरेंट पिटीशंस इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो आज के वीडियो में बस मैंने आपको इतना ही बताना था। इसके रिलेटेड जो लिंक्स हैं आई विल लीव अंडर दिस वीडियो, तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ माय माइक्रोसाइट दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर ईवीएम्स, डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ओनली फॉर ईवीएम्स। सो वो लिंक नीचे होंगे, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।